भारत के विकास का आधार है उसके गांव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजाद भारत के विकास की जो परिकल्पना की थी उसमें गांव के विकास की बात पहले की। आजाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी अनाज की। इस समस्या का निदान ढूंढा प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति में। इंदिरा जी का हरित क्रांति का सपना साकार हुआ। गांव में अन्न की समस्या का तो निदान हुआ लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही थी। समय समय पर सरकारों ने इसके लिए योजनाएं भी बनाई। ऐसी ही एक योजना आई वर्ष 1989 में, जवाहर रोजगार योजना। इस योजना में रोजगार के तो अवसर थे लेकिन बढ़ती जनसंख्या और प्रशासन के भ्रष्टाचार ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बना दिया। योजनाएं तो आती हैं लेकिन परिणाम ही नहीं आ पाता। ये किसान की मेहनत का ही परिणाम है कि देश में एक तरफ अनाज का भंडार है तो दूसरी तरफ गांव के गरीब भूख से लड़कर दम तोड़ देते हैं। अप्रैल 1989 में आई जवाहर रोजगार योजना का हर पहलू ही इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया था लेकिन पैसे के भूखे दलालों ने इस योजना पर ग्रहण लगा दिया। स्थानीय स्तर पर जिन लोगों के हाथों में इसकी जिम्मेदारी थी उन लोगों ने जबरदस्त घोटाले किए। 1999 में इस योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया लेकिन उद्देश्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। घोटालों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही थी। मामले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2001 में तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री और कुछ अन्य लोगों ने इस योजना के नियमों का उल्लंघन कर लाखों रुपए का घोटाला किया। योजना आयोग की हालिया रिपोर्टों में बताया गया कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए काम के बदले अनाज योजना का 50% अनाज ही गरीबों तक पहुंचा है। लगभग 40 अरब की सब्सिडी बीच में ही हड़प ली गई। ये जो निकालती है तो ये अधिकारी जो बीच में रखे हुए है ये सब खा जाते हैं, हम लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। क्या कोई फायदा नहीं हो रहा है हमें? अगर वो फायदा होता तो हम इतना दूर सिलगुड़ी से यहाँ तक नहीं आते। 350-400 रुपए किराया लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पे वो ये लेबर चौक में खड़ा हो गए, इन सबको मतलब देखना पड़ता है कि काम कब आएगा कब आएगा कब हम जाए। और सरकार योजना तो बनाती है, बहुत बड़े बहुत बहुत मतलब काम देती है हर बात को, लेकिन उसमें बिचौलिए भी जो हैं वो गांव तक पहुँच ही नहीं पाता है पैसे, और खा जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के युवक रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गाँव में सबसे बड़ी समस्या भूमिहीन मजदूरों के सामने है जो रोटी के लिए रोजी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा है। इस सदी की जब शुरुआत हो रही थी तो गांव में लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। एनडीए सरकार ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था पर अफसोस यह वादा सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रहा। परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। फिर आया 14वीं लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव में जनता ने देश की सरकार का चेहरा बदल दिया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिस वादे को यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने ग्रामीण बेरोजगारी से निपटने के लिए 100 दिन रोजगार गारंटी देने का वादा किया था, सरकार बनने के 1 साल के भीतर ही उन्होंने अपने उस वादे को पूरा किया। उन्होंने देश की ग्रामीण जनता को रोजगार गारंटी बिल के रूप में तोहफा दिया है। भारत निर्माण के रास्ते में ये कदम मील का पत्थर है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है। आज हम 2004 के कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सबसे महत्वपूर्ण वादा पूरा कर रहे हैं। जो लोग देश के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ ऐसे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है और वे सार्थक काम की खोज में किस तरह से भटक रहे हैं। इस विधेयक के जरिए हम उन करोड़ों करोड़ों लोगों को की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत है। यह बिल उन करोड़ों किसानों और ग्रामीण युवकों के अंधेरे जीवन में उजाले की किरण लेकर आया है जिनके लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। इस बिल में किसानों को प्रतिदिन कम से कम 60 रुपए मजदूरी और 1 साल में 100 दिन काम का प्रावधान किया गया है। शुरुआती चरणों में ये योजना देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की जाएगी और अगले 5 सालों में इसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना में 90% भाग केंद्र और बाकी राज्य वहन करेंगे। इस योजना पर प्रतिवर्ष 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए के बीच खर्च का अनुमान है। ये योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए मुस्कान लेकर आई है। इस बिल की एक बड़ी खासियत है कि इसमें महिलाओं के लिए 33% भागीदारी की बात भी की गई है। इस योजना को भ्रष्टाचार के साए से दूर रखने के लिए केंद्रीय परिषद के गठन की बात कही गई है। परिषद योजना का सुचारू रूप से संचालन करेगी। इस परिषद में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का सकारात्मक पहलू ये है कि यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की पहल पर सूचना के अधिकार का विधेयक पास हो जाने के बाद स्थानीय प्रशासन और संस्थाओं को हर तरह की जानकारी देनी होगी। इससे रोजगार गारंटी के फंड में हेराफेरी को रोका जा सकेगा। खासकर मजदूरों के मस्टर रोल ठेकेदार और अफसरों की अलमारी में नहीं बल्कि गाँव वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। ये बिल ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के सपने को हकीकत में तब्दील करेगा।